दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि राजस्थान में अजमेर के कायर विश्राम स्थली पर कल से सेना भर्ती रैली का आगाज हो चुका है, जो कि 2 अगस्त तक चलेगी। इस भर्ती प्रक्रिया के पहले दिन की कुछ जरूरी बातें हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसे कि भर्ती की तैयारी कर रहे हर युवा को अवश्य जानना चाहिए। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बगल की घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि आपको आगे भी ऐसे ही सेना भर्ती से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों, इसके साथ ही आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने जिले और राज्य का नाम जरूर लिख कर जाएं, ताकि हम आपके जिले की भर्ती की जानकारी सबसे पहले ला सकें। दोस्तों, कोटा IRO की ओर से अजमेर के कायर विश्राम स्थली में 11 जुलाई से शुरू हुई सेना भर्ती के पहले दिन भीलवाड़ा जिले की 8 जिलों के युवाओं ने दौड़ में हिस्सा लिया। इस भर्ती रैली के लिए 3,838 युवाओं ने सेना भर्ती रैली में शामिल होने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया था और इनमें से 2,570 युवा दौड़ में शामिल होने के लिए ग्राउंड पहुंचे, जिनमें से सिर्फ 223 अभ्यर्थी दौड़ में सफल रहे। दोस्तों, आपको बता दें कि दौड़ में सफल रहे युवाओं के भर्ती की आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसमें कि उनके मूल दस्तावेजों की जांच यानी दस्तावेज सत्यापन किया जा रहा है। जो इन प्रक्रिया से गुजरने में सफल रहते हैं, उनका आज यानी सोमवार सुबह 6 बजे भर्ती मेडिकल बोर्ड द्वारा मेडिकल चेकअप किया जाएगा। इस भर्ती के लिए कल मध्य रात्रि के बाद 2 बजे से कड़ी सुरक्षा के बीच अभ्यर्थियों को उनके प्रवेश पत्र एवं आधार कार्ड की जाँच करने के बाद कायर विश्राम स्थली में प्रवेश दिया गया था और सुबह 4 बजे से दौड़ का आयोजन किया गया था। आपको बता दें कि कोविड को देखते हुए सेना द्वारा 200 से 250 युवाओं का बैच बनाया था और हर बैच से लगभग 10 से 15 युवा ही क्वालिफाई कर सके हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इस भर्ती के लिए सेना द्वारा विश्राम स्थली पर बाहर से आने वाले युवाओं को टेंट लगवाकर ठहरने की सुविधा दी गई है। अन्य सुविधाओं में ई मित्र, इंटरनेट, फोटोस्टेट मशीन के अलावा नाश्ते एवं भोजन तथा पेयजल की व्यवस्था की गई है। सेना भर्ती रैली के दौरान कोरोना महामारी नियमों की पूरी पालना कराई जा रही है और विश्राम स्थली पर मास्क एवं सैनिटाइज आदि की दुकानें भी लगाई गई है। इसके अलावा सेना के अधिकारियों ने युवाओं से अपील की है कि वे दलालों से सावधान रहें और दलालों के चक्कर में आकर वो अपने पैसे व दस्तावेज गलती से भी उन्हें ना दें, वरना ऐसे युवाओं को बाद में पछताना पड़ेगा। तो दोस्तों, ऐसी ही भर्ती की हर अपडेट के लिए हमसे जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।